नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भारत के बढ़ते हुए रुतबे का सबूत देख रही है। चीन की सेना का पीछे हटना, जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, एससीओ की बैठक में पाकिस्तान की तरफ से भारत से बात करने की बेताबी, लेकिन दूसरी तरफ देश की सुरक्षा को नजर लगती भी दिखी। पिछले 10 दिन में 300 से ज्यादा फ्लाइटों में बमों की झूठी धमकियां दी गई। कश्मीर में चुनाव के बाद आतंकी हमले देखे, दिल्ली के अंदर एक संदिग्ध धमाका देखा। सवाल जायज है, क्या देश की सुरक्षा बड़े खतरे में नजर आ रही है? डर है, एक डर का माहौल तो है। एयरलाइंस को इस तरीके की धमकी दे रही है, बम से उड़ाने की बात उनकी तरफ से कहा जा रहा है। We have learned our lesson and we want to live in peace with India. सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण हैं, रुको, सोचो, एक्शन लो। दुनिया के विश्वास पथ पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के रुतबे को सब सलाम भेज रहे हैं। दुश्मनियां, हेकड़ियां, चालबाजियां सब पनाह मांग रही हैं। 2020 से नापाक आंखें गड़ाए चीन वापस लौट रहा है। चाइना के खिलाफ अगर कोई देश खड़ा हो सकता है तो भारत ही खड़ा हुआ और आज ये दिखा भी दिया कि किस प्रकार से चाइना को भारत की कंडीशन पर पीछे हटने में मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान सिर्फ एक बार बात कर लेने की गुजारिश कर रहा है। दुनिया के कूटनीतिक मंचों पर भारत की जय है। फिर कौन है जो भारत की तरक्की की राह में बारूद बिछा रहा है? किसके इशारे पर एक बार फिर भारत की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है? एकदम धार दी से बहुत तंगड़ी आवाज आई। हाँ, और हमारे तो कान में सन्नाटा था। देखा तो यहाँ पे केमिकल की महक आ रही थी। दिल्ली पुलिस उसको एजेंसियां इसको मिस्टीरियस ब्लास्ट कर रही है। कितने दुश्मन छुपे बैठे हैं जो बार बार भारत की सुरक्षा को चैलेंज कर रहे हैं। 5 दिनों में करीब 150 से ज्यादा थ्रेट कॉल्स आ चुकी हैं और पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा थ्रेट कॉल्स आई हैं। दिवाली जैसे महापर्व का अवसर है, ऐसे में बार बार आसमान में बम धमाके की धमकियां और जमीन पर बड़ा विस्फोट, ये साजिशें कौन रच रहा है? भारत को दहलाने की कोशिशें करके कौन है जो देश में दहशत फैलाना चाहता है? त्योहार के सीजन में इस तरह की घटनाएं करने वाले शरारती तत्व जो नहीं चाहते कि देश और दिल्ली सुरक्षित रहे, दिल्ली पुलिस हमारी बहुत सक्षम है और निस्संदेह जो इसकी जांच उन्होंने शुरू की है, निस्संदेह अंजाम तक पहुंचेगी और सच सबके सामने आएगा। ये आने वाले दिनों में त्योहार हैं, अलग अलग जगहों पर भीड़ होगी, तो हम पुलिस को भी हम ये कह रहे हैं कि वो एहतियात बरते। क्या बमों के जरिए नए तरह का आतंकवाद देश में सर उठा रहा है? क्या धमकियों के जरिए आतंकवादियों ने कोई नया प्रयोग शुरू किया है? देश कई बरस से शांत है, बड़े हादसे नहीं हुए, आतंकवाद की तो कमर ही तोड़ी जा चुकी है, तो क्या कोई है जो आतंकवाद का नया अध्याय शुरू करना चाहता है? पिछले 15 अक्टूबर को एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने दिल्ली से शिकागो के लिए उड़ान भरी। इस बोइंग 777 विमान में 200 यात्री सवार थे, लेकिन एक ऑनलाइन धमकी ऐसी मिली कि फ्लाइट को फौरन डाइवर्ट किया गया और कैनेडा के इकोलाइट शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।
धमकी थी कि फ्लाइट में बम है। पिछले दो हफ्तों में भारत में 300 से ज्यादा फ्लाइटों में बम होने की धमकी दी गई। चेक। चेक ऑन। सभी 300 से ज्यादा धमकियां फर्जी निकली, यानी वो सभी होक्स कॉल्स थे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश की सुरक्षा पर कोई खतरा है? क्यों फ्लाइट में बम की धमकियां दी जा रही? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है? कौन है जो ऐसी धमकियां दे रहा है? क्या इन धमकियों के पीछे है खालिस्तान कनेक्शन? भारत में विमानों में बम होने की झूठी धमकियां देने वाले करीब 10 सोशल मीडिया हैंडल्स को साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लॉक कर दिया है। एजेंसियों ने इन फर्जी धमकियों में इस्तेमाल किए गए कुछ कॉमन शब्द पाए थे, जिसमें बम, हर जगह खून बहेगा, विस्फोटक उपकरण, ये मजाक नहीं है, तुम सब मर जाओगे और बम रखवा दिया है शामिल है। जो होक्स कॉल्स आ रहे हैं उसकी मंशा मेरे को लगता है कि पहली बात तो काफी तादाद में आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं, सवाल ये है। इसका कारण ये हो सकता है कि दो तीन कारण है। मुख्य कारण तो ये है कि शायद ये एक चेतावनी बार बार हमें मिल रही है कि जिस प्रकार एक कहानी होती थी भेड़िया आया, तो ये एक शायद बार बार वार्निंग मिल रही है और शायद कोई आतंकवाद ग्रुप ये कुछ प्लान कर रहा है। और हम लोग जब इतने कॉल्स आते हैं तो आदमी ढीला पड़ जाता है कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर कुछ होगा तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी को भी हर्ट करना, एयरलाइंस की इकोनॉमी को हर्ट करना, और तीसरा जो पैसेंजर्स हैं उनके अंदर खौफ पैदा करना कि वो एयरलाइंस में ट्रैवल ना करें, तो जिससे एयरलाइन इंडस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी हिट हो। हाल में इसमें एक नई बात और पता लगी कि इन होक्स या फर्जी धमकियों में से 70% का सोर्स एक ही ट्विटर या एक्स हैंडल एडम लैंजा है। ये वही नाम है जिस नाम के एक अपराधी ने 2012 में एक अमेरिकी स्कूल में कत्लेआम मचा दिया था। हालांकि अब ये अकाउंट भी सस्पेंड किया जा चुका है। विमानों में बम रखे होने की होक्स कॉल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। फैसला लिया गया कि ऐसी धमकियों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। Action is being taken on these kind of issues so that they don't become precedent for future. क्या इन धमकियों का कोई खालिस्तान कनेक्शन हो सकता है? ऐसी फर्जी धमकियों से धमकी देने वाले को कोई फायदा हो या न हो, भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री को भारी नुकसान पड़ता है। हाल फिलहाल में ये देश को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का एक जैसे तरीका बन गया है। ऐसी धमकियों से नुकसान कितना व्यापक होता है इस पर गौर कीजिए। देश में रोज 3000 से ज्यादा फ्लाइट्स होती हैं, 150 से ज्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में लगभग 15 करोड़ लोगों ने घरेलू यात्राएं की। धमकी भरे कॉल आने से सिर्फ एक फ्लाइट ही डिले नहीं होती, बल्कि सारे शेड्यूल पर असर पड़ता है। कई बार फ्लाइट कैंसिल होती है, इनके पैसे लौटाने होते हैं, या यात्रियों को उतने समय के लिए कहीं ठहराना होता है। सूत्रों के अनुसार एक डोमेस्टिक फ्लाइट को डाइवर्ट करने पर करीब 1.5 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में ये 3.5 करोड़ होता है। कुल मिलाकर हाल फिलहाल की धमकियों से एयरलाइंस को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लेकिन ऐसी किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता या फिर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है। अगर किसी फ्लाइट के दौरान उसमें बम होने की खबर आती है तो एक अलर्ट साउंड किया जाता है और एयरपोर्ट पर बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी की एक मीटिंग होती है।
अगर धमकी में दम होता है तो पायलट से ATC की बात कर अगला कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। फ्लाइट की लोकेशन के अनुसार पायलट्स को वापस आने के लिए बोला जाता है या करीबी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करने के निर्देश मिलते हैं। अगर धमकी मिली है लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की है तो एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट पर चेकिंग के लिए एक खाली इलाके में ले जाते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है जो इंडियन एयर स्पेस से बाहर निकल चुकी है तो अंतर्राष्ट्रीय ATC और सुरक्षा एजेंसियां आपस में बात कर अगला कदम उठाती हैं। भारत को इस क्षेत्र में फूंक फूंक कर कदम उठाने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि 1985 में एक एयर इंडिया फ्लाइट को खालिस्तानी आतंकियों ने बम से उड़ा दिया था जिसमें सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में किसी भी धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म हुए, उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके कुछ दिनों के बाद ही वहां आतंकी हमले शुरू हो गए। गैर कश्मीरी मजदूरों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सेना के वाहन पर हमला हुआ। गुलमर्ग जैसे क्षेत्र में आतंकियों ने हमला किया। ये हमले भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर हमले हैं। इशारा साफ है कि भारत के दुश्मन इस बात के फिराक में है कि कश्मीर में हालात सामान्य न हो पाए। आई उमर अब्दुल्ला To swear in the name of God. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों के अंदर कई बड़े आतंकी हमले हुए। अठारह अक्टूबर शोपिया में गैर कश्मीरी युवक की गोली मारकर हत्या। 20 अक्टूबर गांदरबल में निर्माणाधीन टनल में काम कर रहे गैर कश्मीरी मजदूरों की गोली मारकर हत्या। 24 अक्टूबर गुलमर्ग के पास सेना के वाहन पर आतंकी हमला, जवानों के साथ काम करने वाले दो कुलियों की मौत। 24 अक्टूबर पुलवामा जिले के त्राल इलाके में एक प्रवासी मजदूर को गोली मारी गई। हमने देखा कि जो भी इलेक्शन से पहले शुरू हो गई थी, जम्मू में वारदातें काफ़ी हुई और ऐसे और भी जगह में, लेकिन उसको सब भारत की जो जनता है, कश्मीर की जो जनता है, उसने सबको बुरी तरह से नकार दिया है। तो नेचुरली है कि जो अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैंडलर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए। लगता है चुनाव में जिस तरीके से मुक्की खाई है पाकिस्तान ने, उसी की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज़्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों में लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डाले और आतंकवादी कुछ भी गड़बड़ी फैला नहीं सके। उससे हुआ ये कि सीमा पार बैठे आतंकियों की आकाओं में बौखला हटा गई और उन्होंने दोबारा आतंक फैलाना शुरू कर दिया। चुनावों के तुरंत बाद कश्मीर में हमले क्यों होने लगे? आतंकियों की मदद कौन कर रहा है? गांदरबल जिले के सोनबर्ग क्षेत्र में मजदूरों और एक डॉक्टर की हत्या की जिम्मेदारी TRF ने ली है। TRF लश्कर ए तैयबा का मुखौटा है। शांतिपूर्वक हुए विधानसभा चुनाव के बाद TRF जैसे संगठन टारगेट किलिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते हैं जिससे भारत की छवि खराब हो सके। ये पाकिस्तान करा रहा है, उसकी मंशा यही है कि इंडियन कश्मीर में हमेशा आतंकवाद अटैक्स करवाते रहो। एक तो भारत की सरकार को डिस्क्रेडिट करना, वहाँ जो अभी इलेक्टेड सरकार है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको डिस्क्रेडिट करना कि ये कामयाब नहीं है, और पाकिस्तान का जो मुद्दा है कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं और आपका जो कश्मीर में 370 आपने हटा दिया है और लोग वो आपको बिल्कुल नहीं चाहते, तो इनका ये जो एक मुद्दा है ये मेरे को लगता है फेल हो जाएगा
और ये थोड़े दिन तक रहेगा, उसके बाद कश्मीर के लोग इसको होने नहीं देंगे। दरअसल पाकिस्तान इन हमलों को कश्मीरियों द्वारा भारत के खिलाफ रेजिस्टेंस का नाम देकर वेस्ट के आगे बेचता है, जिससे उसके इस दावे को बल मिल सके कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अगर भारत में सब कुछ ठीक ना होता तो वो चुनाव में वोट प्रतिशत में भी दिखाई देता। कश्मीर में 3 चरणों में मतदान हुआ, कुल मतदान प्रतिशत 63.45 रहा। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को 24 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिसमें 61.38% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को 26 क्षेत्रों में मतदान हुआ, वोट प्रतिशत 57.31 था। अंतिम चरण के लिए 40 सीटों पर मतदान प्रतिशत 69.65% रहा। तीनों चरणों के समापन के बाद मतदान प्रतिशत 63.45 रहा, जो लोकसभा चुनावों में दर्ज मतदान से अधिक है। जाहिर है चुनाव में वोटर टर्नआउट रेशियो अगर बढ़ेगा तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं को इससे दिक्कत होती है। इसका असर आतंकी हमलों के तौर पर भारत में नजर आता है। 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा ऑपरेशनों में 172 आतंकवादियों को मारा, जिनमें 42 विदेशी थे। इनमें से 108 द रेजिस्टेंस फ्रंट या लश्कर ए तैयबा के थे। आतंकवादी समूहों में शामिल होने वाले 100 में से 74 लोग TRF द्वारा भर्ती किए गए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का खतरा फिर से एक बार बढ़ रहा है। ये त्योहारों का मौसम है, बाजारों में भीड़ स्वाभाविक है। यही वो समय होता है जब देश के दुश्मन अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने की सोचते हैं। इसी का सबूत सामने आया दिल्ली में, जब रोहिणी में CRPF स्कूल के पास एक धमाका हुआ। धमाके की गूंज ने पूरे सरकारी तंत्र में हड़कंप मचा दिया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक क्या क्या हुआ, क्या मोटिव था ब्लास्ट का, और अब कितनी सतर्क है एजेंसियां, आपको दिखाते हैं। त्योहार के मौसम में देश की राजधानी में ब्लास्ट हो जाता है। जांच एजेंसियों ने संदिग्ध के रूप में 6 लोगों की पहचान की है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में 100 लोगों से पूछताछ की है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धमाके से दहली है। ब्लास्ट हाई इंटेंसिटी था, लेकिन शुक्र था कि कोई इसकी जद में नहीं आया। लेकिन धमाका हुआ CRPF स्कूल के बाहर, वही CRPF जो कश्मीर में श्रीनगर के शहर में तैनात है। NIA जांच कर रही है, CRPF जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। ये इतना शक्तिशाली ये ब्लास्ट था कि ये देखेंगे अगर यहाँ पर तो इसमें बकायदा होल हो गया था ये ब्लास्ट के बाद से। और FIR में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ये जो पूरा आप होल देख पा रहे हैं, काफी मजबूत ये वॉल है और इसमें पूरी तरह से होल हो गया था। CRPF की टीम यहीं पर आई, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश की गई। 20 अक्टूबर को रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में स्कूल की दीवार के पास विस्फोट हुआ, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन धमाके से आसपास की दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जोरदार ये विस्फोट था और इस तरफ ये वॉल है, सामने की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये शॉप थे। इस शॉप में जो कांच है ऊपर वो चकनाचूर हो गए थे और उसके अलावा जो शाइन बोर्ड थे वो टूट गए थे, तो इस वजह से इसे शक्तिशाली विस्फोट माना जा रहा था। हमारे साथ बम धमाकों के आई विटनेस प्रमोद हैं, प्रमोद गार्ड हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, जब धमाका हुआ तो उस वक्त क्या टाइम हो रहा था और क्या कर रहे थे? धमाका हुआ था, हम ब्रश करने जा रहे थे, एकदम धार दी से बहुत तंगड़ी आवाज आई। हाँ, और हमारे तो कान में सनसनाहट पड़ गई, अभी तक सुनाई कम पड़, अभी आप बोल रहे तो कम सुनते हैं। धमाके की वजह से? हाँ। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं, ये जो प्रमोद जी हैं यहाँ गार्ड हैं, और जरा एक बार दिखाना चाहूंगा, धमाका ठीक सामने ये दुकान है, सामने की तरफ जो रोड आपको कॉर्डन ऑफ करके वो दिखाई दे रही है, वहां पर बम धमाका हुआ और यहाँ सड़क के इस पार प्रमोद जो है वो ड्यूटी कर रहे थे। कितने बजे के लगभग हुआ था और जब ये धमाका हुआ था तो यहाँ भीड़ भाड़ थी? 7:40 पे। सात चालीस हाँ,
7:40 पे हुई और इधर इधर उधर तो खाना खा रहे लोग बाग पब्लिक थोड़ी। हाँ ये लपूड़ी वाला जिस खुला खुला था हाँ तो लोग खाना खा रहे थे। हाँ खाना खा रहे थे, शीशा भी टूटा यहाँ गाड़ी का। अब जरा देखिए ब्लास्ट वाली जगह से फॉरेंसिक साइंस लैब, बॉम्ब स्क्वाड और एनएसजी ने क्या क्या चीजें बरामद की हैं। कटे हुए तार, पेंसिल बैटरी, सफेद पाउडर, यानी बम बनाने का सारा साजो सामान मिला है। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक बम तीन अलग अलग केमिकल्स का मिश्रण था और इसका वजन 2 किलोग्राम से अधिक था। लेकिन इस ब्लास्ट का मकसद क्या था? क्या यह कोई मैसेज देने के लिए किया गया था कि दिल्ली को कभी भी टारगेट किया जा सकता है? शुरुआती जांच में ऐसा ही लगता है, क्योंकि बम स्कूल की बाउंड्री के पास लगाया गया था। समय सुबह का चुना गया, दिन भी रविवार का चुना गया जब भीड़ नहीं होती। सूत्रों के अनुसार यह ब्लास्ट एक सोची समझी साजिश लग रही है जिसमें आईईटी का इस्तेमाल हुआ। ब्लास्ट करने वाला इलाके को अच्छे से जानता था, किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, इसलिए धमाके में कील, छर्रे या पत्थर नहीं थे। जांच एजेंसी फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में जब शी जिनपिंग से मुलाकात की तो यह संदेश गया कि भारत आंख में आंख डालकर और सर उठाकर बात करता है। एक तरफ अगर वो युद्ध के खिलाफ और शांति का पक्षधर है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक रूप से वो हैसियत भी रखता है कि दुश्मन भी बात मानने पर मजबूर हो जाए। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख सेक्टर के डेमचोक और देपसांग में सेनाओं के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। अपने आप नहीं हुआ, इट टुक अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन, बट इट टुक अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन बिकॉज देयर वाज अ वेरी यू नो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमिटमेंट कि यू नो टू फॉर आवर मिलिट्री इन दिस नंबर टू स्टे फॉर इन दैट। वो टेम्परेचर आप देखिए, हाइट देखिए, तो वहाँ डिप्लॉय होना दैट वॉज अ वेरी बिग स्टेप। पूर्वी लद्दाख में जो स्थिति 2020 से पहले थी तो वही स्थिति अब बहाल हो चुकी है। डेमचोक और देपसांग पॉइंट पर तनातनी खत्म हो चुकी है और 28-29 अक्टूबर तक दोनों देशों की सेनाएं वापस लौट जाएंगी। ये भारत की कूटनीतिक जीत है। आखिरकार चीन को भारत का पक्ष समझना ही पड़ा और जैसा भारत चाहता था वैसे ही समझौते पर आगे बढ़ना पड़ा। अमेरिका ने पहले कहा था कि आप S-400 मत लीजिए रशिया से, नहीं तो हम आपके ऊपर काटसा लगा देंगे। नहीं लगाया उन्होंने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नहीं पता कि आज भारत की क्या इम्पोर्टेंस है। भारत चाइना के खिलाफ अगर कोई देश खड़ा हो सकता है तो भारत ही खड़ा हो, और आज ये दिखा भी दिया कि किस प्रकार से चाइना को भारत की कंडीशन पर पीछे हटने में मजबूर होना पड़ा और कंडीशन को मान करके बात करनी पड़ी। तो ये पूरी दुनिया समझती है। जिस दौर में दुनिया के कई देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं, उस दौर में भारत की बात दुनिया सुन भी रही है और समझ भी रही है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने जो कहा उस पर पूरी दुनिया की नजर गई। हमारा मानना है
कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सलेंसी, सीमा पार पिछले चार वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। भारत ने संयम के साथ शौर्य को अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत की नीति है, ना किसी का दबाव सहेगा, ना किसी का अभाव रहेगा। जो भारत का हित है वो सर्वोपरि है और दुनिया से रिश्ते भी इसी शर्त पर रहेंगे। कनाडा ने अलगाववादी आतंकवाद का समर्थन करते हुए आंख दिखाने की कोशिश की तो भारत ने उसे कड़ा संदेश दिया। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को वापस भेज दिया। इससे पहले भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया था। इतनी बड़ी संख्या में आज तक किसी देश ने किसी दूसरे देश के राजनयिकों को देश निकाला नहीं दिया है। इश्यू एट हार्ट इज द फैक्ट दैट इन कैनेडियन पॉलिटिक्स दीज खालिस्तानी फोर्सेस हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ स्पेस एंड हैव बीन अलाउड टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज विच आई थिंक आर डैमेजिंग टू द रिलेशनशिप क्लियरली नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट बट आई वुड आर्ग्यू नॉट इन कैनेडाज इंटरेस्ट आइदर। साल 2014 से पहले भारत की विदेश नीति संतुलन बनाए रखने की थी लेकिन आज स्थिति एकदम अलग है। भारत आज पश्चिम के देशों से हथियार भी खरीद रहा है तो रूस से तेल भी। पीएम मोदी का सम्मान अमेरिका राज अतिथि के तौर पर करता है तो वो ब्रिक्स सम्मेलन में भी भारत का एजेंडा लेकर शान से शामिल होते हैं। ये भारत की कामयाब कूटनीति है कि सामरिक क्षेत्र में भारत ने अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने सामरिक संबंधों को मजबूत किया है। क्वाड का हिस्सा बनकर भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो वहीं चीन के वन बेल्ट वन रोड को काउंटर करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की आधारशिला भी रखी है। ये भारत की विश्व में स्वीकार्यता है कि जंग में झुलस रहे देश भी भारत को मध्यस्थता करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों को भारत पर भरोसा है। इजराइल ईरान जंग में भी दोनों देशों का विश्वास भारत में है। ये भारत न झुकता है न किसी को झुकाता है लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे करारा जवाब जरूर देता है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। दो महाशक्तियों के केंद्र में जब दुनिया दो ध्रुवों में बंट रही है तब भारत एक ऐसी शक्ति बना हुआ है जिस पर सब भरोसा करते हैं। जब देशों में दुश्मनियां बढ़ रही हैं, भारत दुनिया का विश्वसनीय दोस्त बनकर उभर रहा है।